हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोरिंग ब्रेन्स। तो इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कैसे आप आपकी मोबाइल फाइल्स को लैपटॉप फाइल से शेयर कर सकते हैं हॉटस्पॉट से एक सर्वर क्रिएट करके। पिछली वीडियो में हमने देखा था जियो शेयर का हेल्प से हम फाइल को शेयर करते थे। इस वीडियो में हम एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर जाना है प्ले स्टोर पर और सर्च करना है वाईफाई FTP सर्वर, और ये एप्लीकेशन आएगा फर्स्ट वाला, तो वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली इसे ओपन कर देना है, और ओपन होने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट एंड गेट प्रो वर्जन। आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, और नीचे एक नोटिफिकेशन आया वाईफाई नॉट कनेक्टेड। आपको आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट स्टार्ट कर देना है और सेम टाइम PC पे जाके उसका वाईफाई स्टार्ट कर देना है और मोबाइल PC को कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्शन होने के बाद आपको मोबाइल पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और PC पे माय फाइल्स में जाके दिस PC पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी ड्राइव देख सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट ऐड नेटवर्क पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। और आपके मोबाइल पर एक सर्वर URL आया होगा, उसे और यूज़र ID पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है, और फिर से आपके PC पर ये URL आपको डाल देना है। ये एक बार ही डालना होता है, बार बार नहीं डालना होता। नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम डाल देना है जो आपके मोबाइल पर आया है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है आपका, और लॉग इन कर देना है। तो इस तरह से आपका मोबाइल आपके PC पर एक सर्वर क्रिएट होके सेव हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ड्राइव्स में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका मोबाइल एज ए सर्वर वहाँ पर प्लेस हो चुका है। नेटवर्क लोकेशन में आप देख सकते हैं आपका मोबाइल आ चुका है। यहाँ से आप कोई भी फाइल्स कॉपी कर सकते हैं और आपके PC के ड्राइव्स में पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मैं आपको एक वीडियो कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारा सर्वर जो हमने क्रिएट किया है, और वहाँ से एक वीडियो कॉपी करेंगे। आप कुछ भी फाइल कॉपी कर सकते हैं और आपके PC पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, और फिर मैंने PC के लोकल डिस्क में जाके एक फोल्डर में ये वीडियो को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वीडियो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप बिग फाइल्स को वेरी फास्ट मूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।